हमीरपुर से शिमला राजमार्ग पर डुग्गा के पास बन रहे पुल का काम धीमी गति से होने पर लोग मुखर हो गए हैं और लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिलकर पुल के काम को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई है। डुग्गा पंचायत प्रधान रविंदर पटियाल की अगुवाई में आए प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को चेताया है कि अगर पुल का काम निर्धारित समय 31 अगस्त तक पूरा नहीं हुआ तो ग्रामीण चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बता दें कि डुग्गा के पास पुल का निर्माण का कार्य शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 10 फरवरी को किया था और 31 अगस्त तक काम पूरा होने के लिए विभाग ने कहा था, लेकिन विभाग के सुस्त रवैये के चलते काम धीमी गति से चला हुआ है और इस कारण यातायात तो बाधित है बल्कि लोगों को भी दिनचर्या निपटाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर घूमकर शहर पहुंचना पड़ रहा है। वहीं 6 से 7 ही मजदूर पुल के काम को निपटा रहे हैं, जिससे संबंधित ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ग्राम पंचायत डुग्गा के प्रधान रविंदर पटियाल ने बताया कि पुल के काम में देरी होने से आवाजाही प्रभावित है और इस कारण स्कूल कॉलेज और अन्य लोगों को पिछले कई महीनों से परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द पुल का काम पूरा नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। हमारी मुख्य समस्या है कि जो डुग्गा पंचायत में डुग्गा पुल बन रहा है, 4 महीने से उसका काम चला हुआ और बहुत स्लो काम चला हुआ है। आज की डेट में उस पुल के ऊपर 2 या 3 आदमी काम कर रहे हैं, डंगे भी लगा रहे हैं वो, लेकिन बड़े स्लो लगा रहे हैं और वहाँ पर जो सफेदे के पेड़ हैं उनको अगर पूछते हो काटे नहीं जा रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं, गाँव के लोग हैं या स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को आना जाने की बहुत ज़्यादा समस्या है और वहाँ पर जो दुकानदार है सबसे ज़्यादा उनको समस्या है। तो क्या लगता है 31 तक टाइम दिया गया? नहीं, अभी तो नहीं लगता है हिसाब से, तो अभी 2 महीने काम नहीं पूरा हो पाएगा। क्या डिमांड है? हमारी तो यही डिमांड है कि जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था उसके ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाए और लोगों को राहत की सांस मिल जाए। डुग्गा जो पुल का कार्य चला है 3-4 महीने से, वो अगस्त में 31 अगस्त को पूरा करना था, लेकिन वो पूरा नहीं करने के कारण हम लोग सभी डुग्गा वासी डीसी मैडम से मिले, अगर 31 अगस्त को इसका कार्य पूरा नहीं हुआ तो हम चक्का जाम करेंगे। हमारी मांग है अति शीघ्र से शीघ्र पुल का कार्य निर्माण किया जाए। वहीं दुकानदारों ने बताया कि पुल के काम में देरी होने से दुकानदारी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है तो मंदे की मार भी झेलनी पड़ रही है। वहीं पुल के कार्य का निर्धारित समय में पूरा होने की उम्मीद नहीं है, जिस कारण दिनचर्या के काम पूरा करने के लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं। डुग्गा पुल जो बन रहा है वो बिल्कुल उसका काम जो है वो धीरे चल रहा है, इस करके सभी जितना भी दो सड़क का डुग्गा का जो व्यापार है वो ठप हो रहा है। सारा लोगों का बुरा हाल है, स्कूल के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम डीसी साहब से यही मिलने के लिए आए हैं कि पुल का मौके पे मुआयना किया जाए और पुल के काम को जल्दी से जल्दी करवाया जाए। हाँ सर, एक तो समस्या ये है कि हमें बहुत घूम के जाना पड़ रहा है पुल के पास से और बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या है, और दूसरी बात यह है कि 31 अगस्त को पुल वालों ने टाइम लिया था कि 31 अगस्त तक हमारा पुल तैयार हो जाएगा, अब तक पुल का कोई काम हो नहीं रहा है, लेबर का काम कोई नहीं हो रहा, 4,000 बंदे लगाए हुए उन्होंने। तो हमारी यही आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा काम करवाया जाए।